कलयुग के श्रवण कुमार ने पिता की स्मृति में बनवाया मंदिर और राम कथा का करवाया आयोजन। माँ विंध्यवासिनी मंदिर प्रांगण में राम कथा का आयोजन हो रहा है। स्वर्गीय लालचंद्र सोनी की प्रथम पुण्यतिथि पर, जहां आज तृतीय दिवस पर श्री राम कथा व्यास परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री श्री 108 श्री महंत जगत रामदास जी महाराज द्वारा संतों की महिमा बखान करते हुए बताया कि बिना संत के भगवान की प्राप्ति असंभव है। हमारे पिताजी की पुण्य स्मृति में राम कथा का आयोजन रखा गया है। हाँ। ये 5 तारीख से 13 जून तक होगा। 13 जून को विशाल भंडारा किया जाएगा। ये हमारे पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि का आयोजन किया जा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सोनी। पिताजी का क्या नाम है? स्वर्गीय श्री राजेंद्र सोनी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पटियाला निवासी। और ये दोनों पहुंच गए, आप भी पहुंचे और समान भी पहुंचे। दशरथ जी से कहा, आप चाहिए कि समान, क्या चाहिए आपको? दशरथ को लोभ आ गया और कहते मुझे दोनों चाहिए। ये कैसे? काम रे भरत राम दुई आखी। राम और भरत मेरे लिए मेरी दोनों आंख, आंख के बराबर प्रेम होता है भैया कि कम ज्यादा होता है? हाँ भगत राजा, शायद कभी अपन कल्पना भी नहीं करते कि कम ज्यादा हो, सोचे भी नहीं है, दोनों आंख के बराबर। कार्यक्रम का आयोजन महेंद्र सोनी नरेंद्र द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने पहुंचे। आयोजनकर्ता ने सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से अनुरोध किया है कि श्री राम कथा में पधारकर कथा का रसपान करें। बटियागढ़ से राजेंद्र तिवारी, रिपोर्ट SCN News।